हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के थ्रू मैंने रजिस्टर किया था। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड शुरू करने से पहले हम जिसे भगवान मानते हैं उसका हम आशीर्वाद लेंगे, और मेरे लिए मेरे भगवान तो मेरे माता पिता हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने माता पिता से अपना आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद हम अपना कार्य शुरू करेंगे। अभी हम लोग गिरिडीह के राजधनवार क्षेत्र में हैं, जो कि झारखंड में है, और यहाँ पे हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, एक ऑफिशियल अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसका टारगेट है कि 27 तक हम लोग वो आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। जो कि हम लोग बाय वेस्ट को यूज़ करके हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें बिरसा मुंडा का 10,000 स्क्वायर फीट से भी अप्रॉक्स में ज़्यादा साइज़ का रहेगा वो पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं, मोज़ेक पोर्ट्रेट, जिसमें कि हम वेस्ट का यूज़ करेंगे। तो अभी हम अपने वॉलंटियर से आप लोगों को मिलवा देते हैं, जो वॉलंटियर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं इसमें सारा का सारा में। वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट का, और देखिए आज हम आ चुके हैं। पहला दिन हमने ड्राफ्टिंग का काम किया, और आज हम लोग अपना जो वेस्ट को यूज़ करके हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, अब उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। तो वो हमारा वेस्ट है क्या दरअसल? तो देखिए, वेस्ट हम लोग का यही है, ये वेस्ट ब्रिक्स। अभी के टाइम में जहाँ ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें हम आर्टिस्ट लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वेस्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग वेस्ट को यूज़ करके बनाने वाले हैं। बिरसा मुंडा का वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट्रेट होगा, जो कि 10,800 स्क्वायर फीट का हो चुका है अभी तक, और वो हम लोग वेस्ट ब्रिक्स को यूज़ करके बनाने वाले हैं। और ये देखिए, ये हमारे इतने सारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं साथ में। देखिए हमारे वॉलंटियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्या है, क्रिसमस है ना। तो देखिए, ये क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, ये हर साल हम लोग के साथ आता है ना। बट ये जो अभी हम लोग ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला इवेंट जो करने वाले हैं, ये जो कर रहे हैं प्रेजेंटली हम लोग, ये तो हर साल नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग सब भारत देश में लगभग सभी लोग देख भी पाएंगे कि कितने यूनिक तरीके से हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। कल कितने लोग थे ऐसे जो लोग कि घर जाने के बाद जिनका हाथ पैर वगैरह सब दर्द कर रहा था, बी ऑनेस्ट एवरीवन, ठीक है। पेन दरअसल में होता क्या है, दर्द क्या होता है, व्हाट इज पेन? पेन वो होता है जो कोई भी काम को करने के बाद जो खुशी होती है उसका एहसास होता है पेन। माँ जो पेन बियर करती है, अगर वो सोचो कि वो पेन बियर नहीं करती, वो दर्द अगर नहीं सहती, तो हम लोग ही नहीं होते हैं। तो ये याद रखना कि हम जो अभी पेन महसूस कर रहे हैं, वो मेंटल पेन हुआ या फिजिकल पेन हुआ, वो क्या उस दर्द से ज्यादा बड़ा था या उससे कम है, है ना। उससे कम है तो हमेशा आगे बढ़ते रहने का है।
लोग डे टू का इवनिंग में आ चुके हैं। ये देखिए अभी रात हो चुका है और फिर भी अभी हम लोग यहाँ पे डे नाइट काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप सभी अपने स्टूडेंट वॉलंटियर्स को देख सकते हैं, सभी लोग अभी इवनिंग स्नैक्स ले रहे हैं। तो अभी हम रात अभी फिर से हम लोग काम यहाँ करने वाले हैं। हम लोग आउटलाइनिंग का काफी सारा काम हो चुका है, अब फिलिंग का काम होगा, उस बाद पेंटिंग हम लोग करेंगे मेन पेंट। हेलो जोहार फ्रेंड्स, आज हम लोग का डे थ्री है वर्ल्ड रिकॉर्ड का और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अब आज हम लोग पेंटिंग का काम लगभग शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, स्टूडेंट वॉलंटियर्स भी हैं। यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, इसको देखिए। जैसे इस तरह से हम लोग को पता चलता कि हम लोग का भगवान भी साथ दे रहे 100% है, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो हम लोग के अकॉर्डिंग वेदर कंडीशन है। यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हवा नहीं चल रही है। अगर इंडिकेटर्स पकड़ना पड़ता है ना भगवान की तरफ से भी, अगर मान लो भगवान हम लोग का साथ नहीं देते तो रात में जनरेटर चोरी हो जाता, लाइट चोरी हो जाता कि नहीं, या फिर पहला ही दिन किसी ना किसी का हाथ में हथौड़ी से लग जाता, छेनी से लग जाता चोट, सोचोगे तो पता चलेगा। ठीक,
हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 4 है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, और हमें थोड़ी परेशानी से गुजरनी पड़ी। वो ये हुआ कि रात में अचानक से बारिश हो गई, तो उसको देखते हुए हमारा थोड़ा पोस्टपोन हुआ है काम एक दिन का। वॉलंटियर्स लोग किस तरह से अपने तरीके से दिमाग लगा करके कैसे ह्यूमन चेन बना करके काम को जल्दी जल्दी फास्ट टर्म अप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी बारिश होने की वजह से हमारा काम डिले हो चुका है।